हमारे राजस्थान में गर्मियों के दिनों में पानी को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर जिले के रामा गांव में पानी सुविधा होने के बावजूद भी पानी की टंकी में दरार एवं खराब होने के कारण 5 से 3 हजार लोगों को पीने के पानी को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 हजार मनक पब्लिक पानी के बारे में भिटकती फटती, ना माने कोई तालाब है, ना माने कोई पानी है, ना माने कोई विकास है, ना माने कोई पानी की ज्यादा दिक्कत पानी की से माने। कितने सालों से समस्या है पानी को लेकर? हमारे यहाँ हो गई, हमें आई हूँ शादी से, पानी की समस्या है इसे उससे पहले भी थी। कि रामा गांव में पानी की संभावना आने की कहाँ से है और कितने सालों से नहीं आ रहा है और क्या क्या अगर करेंगे तो पानी आ सकता है? हमारे रामा गांव में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। हमारे बागेरी बांध है, वहाँ पर पास में ही 2-4 किलोमीटर गाँव है, उसान बोलते हैं, वहाँ पर पानी बागेरी बांध का आ गया है। हमारे यहाँ रामबारी का पानी हमारे घर तक नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर ही पानी है। मोटा बिलवाड़ा में टंकी लगी हुई है, वहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा, वो टंकी खराब हो गई, तो हमारे घर घर सप्लाई नहीं की जा रही है। अभी यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, वहाँ पर भी पाइपलाइन दबी हुई है, पर हमारे घर पर पानी नहीं आ रहा है। इस बात से लेके हम बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे उदयपुर जिले के बड़गांव के पंचायत समिति के विकास अधिकारी को फोन कर, जिनके नंबर है 0294245161613, उनको फोन कर पाइपलाइन और टंकी सही करवाने के लिए दबाव बनाए, ताकि लोगों और महिलाओं को परेशानी का सामना ना हो और लोगों को पीने का पानी मिल सके। मैं शंभुराज सवर रामा से इंडिया अलर्ट के लिए।